मैं भारत राज्य में झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इस वक्त हमारे साथ मंत्री बैद्यनाथ राम जी मौजूद हैं। पिछली बार जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो इनका जो है मामला अटक गया था और इस बार जब हेमंत सोरेन बाहर हैं जेल के और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो मंत्री पद की शपथ बैद्यनाथ राम जी ने लिया है। 12वें मंत्री तो नहीं कह सकते लेकिन इस बार कैबिनेट हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कुल जो है 12 को भरा गया है। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो एक निराशा थी आपके जो वर्ग में, वह निराशा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूर की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और निराशा जैसे कोई बात नहीं थी, ठीक है, होता है, अतीत की बातें हैं। अब नए सिरे से सब कुछ हुआ है तो अब नए वातावरण में नए तरीके से काम करना है। लेकिन जिस समय जैसा माहौल उस समय बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, भाजपा भी बार बार कहीं ना कहीं आरोप लगा रही थी कि ये दलित का अपमान है, इतने बड़े अपमान को कहीं ना कहीं आपने इसको अंदर छुपा के रखा और आपने धैर्य बना कर रखा, कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया ऐसे बड़े मामले। देखिए, उकताहट नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति में, उकताहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, और धैर्य तो व्यक्ति को रखना ही चाहिए। किसी क्षेत्र में रहे वहाँ धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। हड़बड़ी में कोई गलत निर्णय नहीं होना चाहिए। इसलिए जो कुछ हुआ है समय के अनुसार हुआ है, ठीक है, अब जाके ये हुआ है तो हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने अच्छा परिणाम किया, विधानसभा चुनाव होने हैं, वक्त काफ़ी कम है, कैसे देखते हैं? चूँकि स्कूली शिक्षा, उत्पाद और मद निषेध विभाग आपको दिए गए हैं, ठीक है, दोनों ही पुराने विभाग हैं, दोनों में मैंने पूर्व में काम किया है तो हम समझते हैं बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बहुत जल्दी विभाग को पिकअप कर लेंगे हम लोग। आज तो विभाग में प्रभार लेंगे, उसके बाद से आगे काम चलेगा, शुरू करेंगे हम लोग। स्कूली शिक्षा पर कैसे बेहतर हो जाए उस पर काम करने की बात है, राजस्व की बात एक बड़ी चुनौती होगी आपको जो ये विभाग है उत्पाद और मद निषेध। देखिए, मुख्य रूप से जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में विद्यालयों की स्थिति ठीक करना, शिक्षकों की कमी को पूरा करना और छात्रों की उपस्थिति ठीक ठाक रहे और शिक्षा की जो स्थिति है उसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है, तो इसी दिशा में मेरा फोकस होगा कि जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में कैसे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। नियुक्ति एक बड़ा मामला है, शिक्षक लोग काफ़ी नाराज़ भी रहते हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि पूर्व में जो जगन्नाथ महतो थे वो उन्होंने कई वादे को पूरे किए, पारा शिक्षक का नाम सहायक अध्यापक किया। आप कैसे देखते हैं, आपके पास बहुत सारे जो है विभाग के जो है अध्यापक आ रहे होंगे आने वाले दिनों में, चूँकि चुनाव होने हैं, और कैसे देखते हैं कि जो बड़े पैमाने पर जो सरकार कहती है कि नियुक्तियाँ होंगी, शिक्षकों की बहाली होनी है, क्या ज़रूरत है इस वक्त राज्य में इस चीज़ों की? हाँ, नियुक्ति की आवश्यकता है, मैं इसको मानता हूँ, और नियुक्ति की प्रक्रिया चल भी रही है। कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था जो किसी कारण से रुक गया, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है, अब स्थिति आगे बढ़ी है और निश्चित रूप से शिक्षकों की बहाली होगी। प्रयास ये होगा कि अधिक से अधिक शिक्षक कैसे दिए जाए विद्यालय को, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पाद और मद निषेध की थोड़ी बात कर लेते हैं, जो ये अलग से जो किराया जो दाम में बढ़ोतरी लिए जाते हैं दुकानों पर, उस पर कैसे आप देखते हैं, कैसे फोकस करेंगे? कई सारे संघ के कर्मचारी आपके पास आ रहे होंगे, बोल रहे होंगे प्राइवेटाइजेशन की जो बात कही जाती है, क्या उस पर भी विचार विमर्श कुछ करेंगे? नहीं, अभी विभाग में, पहले विभाग का प्रभाव लेने के बाद विभाग में बैठेंगे, वर्तमान पॉलिसी क्या है और किस पैटर्न पर भी काम हो रहा है इसका अध्ययन करेंगे और उसमें फिर क्या गुंजाइश है सुधार करने की उसको देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे उसको। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बैद्यनाथ राम, जिन्होंने स्कूली शिक्षा और उत्पाद और मद निषेध के मंत्रालय को संभाला है, पदभार ग्रहण किया है और निश्चित रूप से आने वाले जो दिनों में समय जो रह गए हैं चुनाव को लेकर उसमें जो है कहीं ना कहीं बेहतर काम करने की बात कही है और शिक्षकों की नियुक्ति की बात पर जो है नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही है और स्कूली शिक्षा बेहतर कैसे हो, बच्चों का अटेंडेंस कैसे बढ़ाए, स्कूलों की जो बच्चों की पढ़ाई होती है वह कैसे बेहतर हो, इन सभी तमाम चीज़ों पर जो है अपने बचे कुछ जो महीने को कार्यकाल है उसमें करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी यह रह चुके हैं शिक्षा मंत्री और बेहतर काम इन्होंने किया है। इस बार हेमंत सोरेन कैबिनेट में इनको जगह मिला और बेहतर काम करने की बात कही जा रही है। जेके न्यूज़ के लिए रांची से कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।